नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी गुरु माँ कृष्णमूर्ति जी के यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए बहुत से उपाय और टोटके लेकर आते हैं। आज के इस टॉपिक में हमारी एस्ट्रोलॉजर गुरु माँ कृष्णमूर्ति जी आपको सास को वश में करने के उपाय के बारे में बताएंगे। दोस्तों, क्या आप भी अपनी सास को अपने वश में करना चाहते हैं? क्योंकि आपकी सास आपको बहुत ताने कसती है और खरी खोटी सुनाती है, जिसकी वजह से आप बहुत तंग हैं और आप चाहते हैं अपनी सास को वश में करना। क्योंकि आपकी सास ना तो आपको कोई काम करवाती है, ना ही आपसे सही ढंग से पेश आती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस वशीकरण विधि के बारे में। सास को वश में करने का एक बहुत ही सरल टोटका है यह। आपको सबसे पहले एक गेहूं की रोटी बनानी है। गेहूं की रोटी बनाने के बाद आपको उसके ऊपर काले पेन से सास का नाम लिखना है और मन ही मन आपको अपने इष्ट देव से प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने के बाद आपको उस रोटी को काली कुतिया को खिला देनी है। जैसे ही आप इस टोटके को करेंगे, आपकी सास आपके वश में हो जाएगी। आपकी सास इस कदर आपके वश में हो जाएगी कि वह आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करेगी और बहुत अधिक प्रभावशाली आपके साथ रहेगी। यह एक बहुत ही पावरफुल उपाय है। इसे करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी सास आपके वश में। तो आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपको इस उपाय को करने में कोई दिक्कत या परेशानी आए या फिर कोई लाभ ना मिल रहा हो, तो बिना देर किए हमारी एस्ट्रोलॉजर गुरु माँ कृष्णमूर्ति जी से संपर्क करें। वह आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद। जय माता दी।